अगर आपको डार्क सोल्स गेम पसंद है या तो फिर आपको सोल्स लाइक टाइटल कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग लगता है तो आ जाओ दोस्तों एक एक्साइटिंग गेम के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी सोल्स जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। एक्शन रोल प्लेइंग गेम मॉर्टल सेल की बात करूंगा जिसे डेवलप किया है एक इंडी स्टूडियो कोल्ड सिमेट्री ने और ये पब्लिश हुआ है प्लेस्टेक से। डेवलपर का ये कहना है कि मार्केट में कोई ऐसा गेम बहुत कम ही था जिससे प्लेयर्स को एक डीप इमोशनल इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सके। कहने को तो वो खुद मानते ही है कि डार्क सोल सीरीज से काफी हद तक प्रेरित है मॉर्टल सेल, पर यहाँ कुछ सारी डिफरेंसेस भी क्रिएट की गई है ताकि ये पूरी हद तक सोल्स लाइक गेम की एक कॉपीकैट ना लगे। डार्क सोल फॉर्मूला से हटके अपना एक अलग गेम कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश तो जरूर किया गया है डेवलपर्स द्वारा, बल्कि गेम डिजाइन और कॉम्बैट सेक्शन में इसके ऊपर मुकम्मल तरीके से चर्चा करेंगे। बहरहाल 2020 में इनिशियली रिलीज होने के बाद इसका एक एनहेंस्ड वर्जन भी निकला जो कि 2021 में मुक्ति मिला और फिर एक साल बाद निंटेंडो वाली वर्जन भी 2022 में रिलीज हो गई। दोस्तों ये है मेन गेम मेनू और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्रोप्रिएट सेटिंग्स बटन आपको मिलेगा और ज्यादा यहाँ पे सेटिंग्स लेके छेड़छाड़ आपको करनी नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपली हिसाब किताब किया गया है, आप देख सकते हो ग्राफिक्स, गेम प्ले, वीडियो, ऑडियो और कंट्रोल का। सोर्स लाइक गेम में कोई डिफिकल्टी वैसे तो नहीं होता और लाजमी तौर पे इस पर्टिकुलर गेम पे भी आपको विदाउट एनी डिफिकल्टी शुरुआत करनी पड़ेगी। 3 स्लॉट्स दिए गए हैं दोस्तों आपको गेम को सेव करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, गेम में ऑटो सेविंग बिल्कुल है लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी वेट करना पड़ेगा और वैसे भी गेम सेव आपको बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं मिलेगा। हाँ, ये सिंबल आप याद कर लेना। फॉलग्रीम नामक एक फिक्शनल जगह पे आपको ये पर्टिकुलर गेम खेलनी पड़ेगी। जो जगह की अगर मैं बात करूं, सन्नाटे से भरी हुई है, काफी पॉइजनस लग रहा है, काफी डेंजरस भी दिख रहा है साथ ही साथ, और वर्ल्ड आर्ट की तो तारीफ करनी पड़ेगी। आप एक फेसलेस वॉइसलेस स्पिरिट हो, स्पिरिट इसलिए हो क्योंकि आप एक सोल्स हो और मैंने तो पहले सोचा था कि आप एक ह्यूमन हो, पर एक्चुअली आप नहीं हो। इन गेम आपको सर्वाइव करना होगा और ये वर्ल्ड काफी पेचीदा आपको शुरुआत पे लग सकता है और है भी, क्योंकि रास्ते आपको कई सारे दिखने के लिए मिल जाएंगे। हाँ, रास्ता सही हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, पर आप कुछ देर चलने के बाद ही तय कर पाओगे कि आपका ये रास्ता क्या आपको सही दिशा ले जा पा रहा है या नहीं। मॉर्टल सेल नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस गेम में शेल्स का संपूर्ण तरीके से इस्तेमाल की गई है, बल्कि शेल्स का ही इस्तेमाल हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास पहनने को वैसे तो 4 शेल्स होंगे और पहले एक शेल्स जो होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा, बाकी के सेल्स आपको अलग अलग जगह पे जाके ढूंढनी पड़ेगी। अलग अलग चीजें करने के बाद वो मुकम्मल तरीके से आपके लिए रिलीज हो जाएगा। अगर एनिमी मार मार के आपकी भरता बना दे और आपकी हेल्थ को 0 पे पहुंचा दे तो ऐसे में आपकी शेल से निकल के आप बाहर हो जाओगे और फिर भी आपके पास अपनी सोल्स वाली लाइफ जो है वो बची रहेगी। कहीं ना कहीं ये गेम मुझे शेकिरो की याद दिला रहा है। और फिर जब आपकी सोल्स को एनिमी मार देगा तो वहीं पे आपकी मृत्यु हो जाएगी और दोबारा आपको खेलना पड़ेगा कहां से, सेव पॉइंट से। और सेव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सेव पॉइंट एक दूसरे से काफी डिस्टेंस में होगा, तो इससे आपको थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन तो आ सकती है, लेकिन आप समझ सकते हो कि सोल्स गेम का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा होता है। आप मर भी जाओगे तो वापस से एनिमी रिस्पॉन भी हो जाएंगे। ये रही आपकी हेल्थ बार और आप देख सकते हो कि डिसेंट हेल्थ लेके ही आप इस पर्टिकुलर गेम की शुरुआत करोगे। नीचे हेल्थ बार की आपको छोटा सा स्टैमिना बार भी दिखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस गेम में आप जब दौड़ोगे या तो फिर आप कॉम्बैट करोगे तो खूब सारी स्टैमिना जो है आपकी डिप्लीट होती चलेगी और धीरे धीरे वैसे वो वापस भी आ जाएगा। वैसे मैं अगर बात करूं दौड़ने का, तो इस गेम में आप जब भी दौड़ लगाओगे तो बहुत डिस्टेंस तक कवर कर सकते हो। स्टैमिना दौड़ने से तो एटलीस्ट बहुत ही धीरे धीरे डिप्लीट होता है। इन गेम अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको कई सारे आइटम्स मिलेंगे, तो कई सारे रिवार्ड्स भी आप कह सकते हो मिलेंगे। डिफरेंट शॉट ऑफ आइटम्स में आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या तो फिर हेल्थ बूस्ट करने का मौका मिलेगा। यहां मैं आपको बता दूं, जो भी आइटम्स जहां जहां भी आपको मिलता है वही पे हर वक्त वो आइटम मिलता चलेगा, लेकिन एक छोटी सी चीज है कि हर एक आइटम को अगर आप एक बार ले लो उसके लिए एक कूल डाउन पीरियड तक आपको इंतजार करना पड़ेगा ताकि वापस उसी जगह पे वही आइटम आपको मिले। ये आइटम बहुत अलग अलग ढंग के हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंज मशरूम हो सकते हैं, रॉटन मीट हो सकते हैं, बैच ऑफ ड्यूबियस मूनशाइन हो सकते
है, कुछ भी हो सकता है, बट यू वोंट नो हाउ एनी वन विल अफेक्ट योर हेल्थ। ये तो आपको मतलब इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे दोस्तों ब्लड बॉन्ड गेम के साथ भी कॉम्बैट की अगर मैं बात करूं तो काफी हद तक ये मैच करता है, पर इस गेम में लिमिटेड कंज्यूमेबल्स आपको मिलेगा और उस हिसाब से देखूं तो बॉडी आर्मर भी 4 ही मिलेंगे। यस, बॉडी शेल्स मतलब कि बॉडी आर्मर, आप अलग अलग जगह पे इसको स्विच कर सकते हो अगर आप इसको एक बार हासिल कर लिए तो। इन गेम यू विल मीट डिफरेंट नॉन प्लेइंग कैरेक्टर विथ डिफरेंट एक्टिविटीज टू हेल्प यू। वैसे नॉन प्लेइंग कैरेक्टर काफी कम ही रहेगा तादाद में। देयर आर सम पीपल हु आर देयर टू हेल्प यू, जैसे कि सिस्टर गणेशा, ब्लास्ट द ओल्ड प्रिजनर, थेस्टस एंड मेनी मोर। फॉलग्रिम एरिया में कुछ सारी ह्यूज टेम्पल्स भी आपको मिलेंगे जिसके अंदर अपने बॉसेस होंगे और उसको अगर आप मार दोगे तो ऐसे में आप उस टेम्पल को क्लेम कर सकते हो। अब गेम में आपको 13 अनोखा लोकेशंस मिलेंगे। अनोखा इसीलिए क्योंकि एक लोकेशन दूसरे लोकेशन से काफी हद तक अलग है, काफी डिफरेंट वाइब के साथ साथ डिफरेंट चैलेंजेस भी आपको प्रदान करता है। विद द ऑर्नेट मास्क यू कैन समटाइम फ्री टू फर्स्ट ट्रबल, पर ज्यादातर क्षेत्रों में फर्स्ट ट्रबल आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए दोस्तों कॉम्बैट की बात कर लेते हैं, द मेन थिंग ऑफ द गेम, राइट? कॉम्बैट, आपके पास एक सोर्ड होगा जो आप देख सकते हो और सोर्ड आपको एकदम गेम की शुरुआत पे ही मिल जाएगा। ऐसे 3-4 अलग अलग प्रकार के अस्त्र आपके पास धीरे धीरे आएंगे, लेकिन आप जो है धीरे धीरे गेम में आगे बढ़ते हुए पैरी करना भी सीख जाओगे और पैरी करने के लिए अलग औजार भी आपको दी जाएगी। आपके सोर्ड से आप पैरी नहीं करोगे। अब पैरी मैकेनिक्स की बात कर रहा था तो आपको पता ही है कि कोई भी सोल्स लाइक गेम या तो फिर कोई भी ऐसे गेम जहां पे तलवारें हैं तो यहां पे पैरी मैकेनिक बहुत ही काम आता है। सही टाइमिंग से अगर आप पैरी करोगे तो इस गेम में आपको कुछ रिवार्ड दिया जाएगा, जैसे कि आप आराम से दुश्मनों को मार सकते हो। सिनेमेटिक वे पे भी दिखाई जाएगी ये चीज। सही पैरिंग करोगे तो हेल्थ को भी थोड़ा तक बूस्ट कर सकते हो, जो आप वैसे भी कुछ आइटम्स खा के भी बूस्ट कर सकते हो, लेकिन आइटम खाने से आपको टाइम लगेगा। लेकिन पैरी करने के दौरान अगर सही ढंग से कर पाओगे तो उसी वक्त अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्थ चाहिए होगा तो बूस्ट जरूर हो जाएगा। बेटर पैरी विल हेल्प यू किल ऑलमोस्ट एनी एनिमी इंस्टेंटली। आपके पास करने को एक फास्टर लाइट अटैक और स्लोअर हैवी अटैक रहेगा। आप एनिमीज के वार से बचने के लिए डॉज वगैरह कर सकते हो, डबल डॉज यानी कि रोल कर सकते हो, और ये आपको करना ही पड़ेगा। बेहतर होगा कि बैक रोल करो और एनिमी पैटर्न को समझो। मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर सोल्स गेम में तादाद भर एनिमी रहता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनिमी रहता है, उन्हें मारने के लिए उनकी पैटर्न को आपको पहले समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेटिंग गेम खेलो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और यहाँ आप वैसे कॉम्बेट करने वक्त स्टेमिना बार के ऊपर थोड़ी बहुत नजर घुमा लेना, क्योंकि जब आप स्विंग कर रहे हो, पैरी वगैरह कर रहे हो, तो आपकी स्टेमिना जो है वो डिप्लीट होती चलेगी। और रियल टाइम में मुझे ये चीज बहुत ही शानदार लगा। एक ही बार में 3 स्विंग से ज्यादा मत करो, मतलब कर सकते हो अगर आपके पास स्टेमिना है, लेकिन ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि तब तक दुश्मन आपको अटैक करने लगेगा। स्टेमिना रिगेन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो, कौन रोका है। यहाँ एक चीज और भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कन्वेंशनल ब्लॉकिंग की जगह आपको यहाँ पे हार्डन होने की एक क्षमता दी गई है कि आप अपने आप को पत्थर जैसी हार्ड बना सकते हो। लेकिन ये हार्डन करने का जो सिलसिला है, एक बार आप बटन दबा दिए तो आपको कूल डाउन पीरियड यानी कि 5 से लेकर 6-7 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा वापस से हार्ड होने के लिए। आपके हार्डन वर्शन के ऊपर एनिमी जब सोर्ड चलाएगा तो ऐसे में वो खुद स्टंड हो जाएगा। मतलब लास्ट में सी बात है ना, रियलिटी चेक की, आप अगर एक लोहा के ऊपर तलवारें चलाओगे तो ऐसे में क्या होगा, आपकी हाथ तो दुख जाएगा ना, तो आप स्टंड हो जाओगे। मोटी मोटी बात यह है कि कॉम्बैट के दौरान आप कुछ कुछ दुश्मन को स्किप भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ चुनिंदे आइटम्स चाहिए जो उस दुश्मन के घेराव पे है तो आप जाके दुश्मन को मार के ही आइटम को जब्त कर लो, या तो फिर मारते हुए या आइटम को ले सकते हो। यहां पे मैं कह दूं कुछ दुश्मन ऐसे भी होंगे जिसको वापस आके भी आपको मारना पड़ेगा, यू कैन नॉट जस्ट कीप देम बिकॉज अदरवाइज रास्ता वास्ता नहीं खुलेगा। वैसे भी काफी ज्यादा हद तक एनिमीज आपको मिलेंगे, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ म्यूटेंट्स आपको मिलेंगे, 15+ डिफरेंट टाइप के स्पीशीज आपको मिलेंगे। एनिमी की बात कर रहा हूं तो सबसे मत भिड़ जाना भाई, इमोशनल होके थोड़ा सा दिमाग से काम लेना। एक बार आप मर जाओगे लड़ते लड़ते तो आपकी अर्जित किए हुए सारे के सारे आइटम्स बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, चले जाएंगे। नेक्स्ट ट्राई आउट में आप अगर अपनी मौत की जगह पे जाके वापस से उसको रिजुबिनेट कर सकते हो तो वापस से वो आइटम आपके लिए रिस्पॉन हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और ये करने के लिए आपको वैसे एक ही चांस मिलेगा। बार बार अगर आप मरते रहोगे तो ऐसे में वो आइटम्स को भूल जाओ, वापस से आपको फिर से जुगाड़ करना पड़ेगा। 5 मेजर बॉसेस मिलेंगे आपको इन गेम, और इसके अलावा 3 माइनर बॉसेस भी होंगे। बॉसेस को बीट करने के लिए आपको वही उनके अटैक पैटर्न को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे आपकी जा सकता है। एंड
दैट प्रीटी मच वर्थ इट। अनरियल इंजन 4 के ऊपर बनी इस गेम का ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं तो काफी गॉर्जियस दिख रहा है। वैसे इसकी वर्ल्ड आर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी, चीजें काफी क्रिस्प दिख रही है और कॉम्बैट भी काफी स्मूथ है, पर यहाँ कॉम्बैट थोड़ा सा आपको स्लो टाइप लगेगा। वॉकिंग, रनिंग, क्रॉलिंग आप आराम से कर सकोगे, इट फील्स रियली बटर स्मूथ। पर यहाँ पे बात करूं, आप वो भारी भरकम जो चीज आप पहने हुए ना आर्मर, उसको पहन के आप जंप नहीं कर सकते। वर्ल्ड आर्ट की अगर मैं बात करूं, काफी स्पूकी है, काफी डेंजरस आपको लग सकता है एट टाइम्स। पर यहां मैं थोड़ा सा मायूस हुआ हूं, क्योंकि साउंड इफेक्ट, साउंड डिजाइनिंग जिस हद से इस गेम को दी गई है उसकी दरकार और भी था। जैसे कि मैं जब कॉम्बैट करने जा रहा हूं तब अगर थोड़ा सा बैटल म्यूजिक आ जाती तो बढ़िया रहता। वैसे शोर्स वगैरह की साउंड है, दुश्मन की रोर की साउंड है, पर यहां पे थोड़ा सा म्यूजिक अगर और भी सही तरीके से स्कोर डिजाइन किया जाता तो शायद ये और भी बढ़िया फील दे सकता था। वॉइस ओवर आपको ऐसे डिफॉल्ट एक रहेगा, पर ऐसे में वॉइस ओवर में सी इंप्रूवमेंट की जरूरत थी मुझे लगा, और हर कैरेक्टर की वॉइस ऊपर थोड़ा डिफरेंशिएट भी किया जा सकता था। बट टू बी वेरी फ्रैंक, स्टोरी की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। पहला पे थ्रू में आपको लगेगा कि कंफ्यूजिंग है, बाद में जाके अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेट पे रिसर्च करोगे तो आपको धीरे धीरे गेम के स्टोरी लोर को खुलता हुआ दिखेगा। दोस्तों वैसे ये सिंगल प्लेयर गेम आप लाइक 18 से 20 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको समझना ये पड़ेगा कि ये ठहरा एक सोर्स लाइक गेम, तो वैसे आपको ग्राइंड तो करनी पड़ेगी टू यू नो रीच आउट टू बॉसेस एंड क्रॉस देम। वैसे लेट मी टेल यू, ये गेम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो एक्सबॉक्स, पीसी, निंटेंडो और प्लेस्टेशन में। तो मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर गेम आप खुद ट्राई करो। अगर आप डार्क सोल्स के फैन हो, सोल्स लाइक गेम आपको अच्छा लगता है, मरने मारने में आप बहुत तगड़े हो, तो प्लीज गो हेड एंड ट्राई दिस गेम। वैसे दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे लिख के जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम था सिद्धार्थ एंड हैप्पी गेमिंग दोस्तों।